हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर न्यू व्लॉग। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 8:30 और यहाँ पर ये बिग कैट आ चुका है और इसको हमने ये खिला दिया है, इसका ब्रेकफास्ट चल रहा है। तो दोस्तों अब किचन की तरफ देखते हैं क्या बन रहा है आज और यहाँ पे क्या बन रहा है। तो चावल के माड़े बन रहे हैं, चावल की रोटी यहाँ पे बन रही है दोस्तों, और नाश्ते में आज चावल की रोटी बन रही है। सिम्बा और स्नो व्हाइट की रेसलिंग चल रही है। तो दोस्तों ओरिएंट फैमिली भी उठ चुकी है और आज मौसम एकदम यहाँ पर खुला है बिल्कुल। तो हम पूछते हैं कैसा लगा आपको चंपावत का टूर, लाइक आपको कैसा लगा? इनक्रेडिबल। तो चंपावत को कितने स्टार देंगे आप 10 में से? टूर को, पूरे टूर को कितने स्टार देंगे? 10। इनसे भी ज्यादा। आपको कैसा लगा? बढ़िया। तो ये इनका रिव्यू था दोस्तों। अब मैं जरा घूमने के लिए चलता हूँ और आगे की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों मैंने एक चीज़ सीखी है आज, पेन के साथ जीना सीखना पड़ेगा। अब क्या है कि वो मेरा हीमोग्लोबिन अभी भी आजकल तो थोड़ा डाउन चल रहा है और थोड़ी एक्सरसाइज करने में प्रॉब्लम, मतलब पेन हो रहा है। तो मैं क्या कोशिश कर रहा हूँ, अब पेन के साथ जीना ही पड़ेगा। मतलब अब या तो डू और डाई वाला है मेरा हिसाब है। तो ये पर्सनल थोड़ा चल रहा है अभी, तो मैंने सोचा इस पर भी अपडेट कर दूँ। इसलिए मैं अभी घूमने के लिए जा रहा हूँ, भले ही पैरों में पेन हो रहा है, कुछ हो रहा है, लेकिन पेन को फील करना पड़ेगा और कोई उपाय नहीं है। तो दोस्तों ये चुकंदर मैश करके छोले में मिलाया हुआ है और अभी मैं ये खा रहा हूँ। बॉडी से पता नहीं वीकनेस जा नहीं रही है, कैसे ना कैसे तो हम ब्लॉगिंग कर ही ले। दोस्तों सिम्बा और स्नो व्हाइट को भी हमने अंडे खिला दिए, अंडे खा रहे हैं ब्रेकफास्ट में। मतलब क्या हो रहा है ना दोस्तों, मैं थोड़ा सा भी चल रहा हूँ तो उसके बाद थक जा रहा हूँ, और मतलब इस सब कंडीशन से अभी जो मेरी कंडीशन हो रही है उससे मेरे को बहुत ही ज़्यादा डिमोटिवेट हो गया हूँ मैं। पता नहीं आने वाले टाइम में क्या होने वाला है। तो दोस्तों अभी मम्मी अनार छिल रही है और मैं हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए अनार खा रहा हूँ आजकल। तभी नहीं बढ़ रहा है, अनार खा के हीमोग्लोबिन बढ़ता है क्योंकि। तो दोस्तों नीरज भैया लोग जा रहे हैं, बाय 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 उनको उनको बाय बाय। दोस्तों आज घर का लिंटर पड़ रहा है तो उसी के यहाँ पर कार्यक्रम चल रहा है। तो आज एक बहुत बड़ा सरदर्द का लास्ट दिन है, लिंटर पड़ रहा है और आज के बाद ये लेबर ये सब यहाँ पर देखने को नहीं मिलेंगे। मतलब ये रोज का हल्ला होता था यहाँ पर, रोज चें चें पी पी पता नहीं क्या क्या होता था। तो आज के बाद इन सब का नहीं होगा यहाँ पर, बहुत बढ़िया है। इस बात की मेरे को खुशी है और किसी बात की खुशी नहीं है। तो चलो, तो उधर तो हो रहा है बहुत ज़्यादा हल्ला और मैं जाता हूँ घूमने के लिए। और बहुत ही इस बात की प्रसन्नता है कि यार ये सब सरदर्द दोबारा अपने को देखने को नहीं मिलेगा। रोज़ इनकी चींची पैं पैं सुन के तो मेरा किसी दिन मन करता था एक दो का मैं गला पकड़ दूँ, पकड़ भी देता मैं सच में। तो अब चलते हैं यहाँ से। तो पिछले एक महीने मैंने बहुत लोगों की सुनी
डॉक्टरों की आयुर्वेदिक दवाइयाँ, आयुर्वेदिक दवाई खा के एक तो क्या डिफेक्ट हुआ है ये यहाँ पे, जिसे कहते हैं दांत हल्के से काले काले हो गए दांतों के बीच में। मतलब कहने का मतलब ये है कि पिछले एक दो महीने मैंने बहुतों की सुनी है और आज की डेट मैंने डिसाइड करी थी कि अब इसके बाद भाई किसी की मैं सुनने वाला हूँ नहीं। बाढ़ में जाए तुम्हारी दुनिया, बाढ़ में जाए तुम्हारे सारे नियम कायदे, बाढ़ में गई तुम्हारी सारी संस्कृति वगैरह वगैरह, ए टू जेड सब कुछ गया बाढ़ में। तो अब आई एम टोटली इंडिपेंडेंट बस। तो यहाँ से अब हम सीधा चलते हैं आगे की तरफ। दोस्तों लेंटर का काम चल रहा है और अभी यहाँ पर हुआ है ब्रेक, नाश्ते का ब्रेक हो रखा है, तो सब लोग बैठ के नाश्ता कर रहे हैं यहाँ पे। सारे जितने भी वर्कर्स आए हुए हैं सब लोग बैठ के नाश्ता पानी कर रहे हैं। और ये वही मशीन है जिससे लिंटर पड़ रहा है ऊपर। अब इसको पता नहीं क्या कहते हैं, इसको पता है आपको क्या कहते हैं? लिफ्ट मशीन। इसको लिफ्ट मशीन कहते हैं दोस्तों। और यहाँ से ऊपर बिल्कुल ये चढ़ रहा है इसमें लिंटर। और यहाँ पे भैया आए हैं, क्या नाम है आपका? विजय कुमार। कहाँ से आए हैं? लखीमपुर खीरी। लखीमपुर कृष्णपुर खीरी। यहाँ पे कृष्णकांत भी है लखीमपुर से, जानते हैं? तो ये अलग अलग जगह से दुनिया, ये देश के ज़्यादातर वैसे बिहार के ही वर्कर्स हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे लिंटर पड़ने में आए हुए। तो दोस्तों ये वो संगम भैया हैं, ये संगम भैया भी आए हुए हैं, इन्हीं के द्वारा जो लेंटर में काम कर रहे हैं उनको खिलाया जा रहा है। अगर आपको ध्यान हो हमने 100 गोलगप्पे वाली एक वीडियो बनाई थी, तो उसमें ये संगम भैया की चाट भंडार में ही बनाई थी। तो दोस्तों इन भैया से पूछते हैं कैसा बनाया खाना? अच्छा बनाया, बढ़िया बनाया। क्या नाम हुआ आपका? सरवन। सरवन हाँ। कहाँ से है? लखीमपुर खीरी। लखीमपुर खीरी, वो भी लखीमपुर के हैं वो। अरे इनको दे दो। तो दोस्तों अपने को भी देखकर खाने का मन हो गया है, तो अब मैं भी पूरी छोले खाऊंगा। और ये पूरी लगा दी गई है, और क्योंकि क्या है कि और यहाँ पर छोले डाल रहे हैं। तो दोस्तों टेस्ट करके बताते हैं कैसा बना है ये। ये हमारे कहते हैं जो लिंटर पड़ रहा है उसकी बाइट है, फर्स्ट बाइट है। बेटा इसमें निकाल ले, छोले डाल लो। छोले एकदम चटपटे बने हैं, बढ़िया बन रखे हैं। दोस्तों छोले पूरी के साथ चाय भी मिली है, ये यहाँ है। और चाय वास्तविक तौर में बहुत एकदम बढ़िया बनी हुई है। तो दोस्तों खाने वाले सारे जा चुके हैं, बस मैं ही बचा हूँ खाने के लिए, और मैं इंजॉय कर रहा हूँ अच्छे से। दोस्तों उधर तो पार्टी फिनिश हो गई भली, लेकिन अपनी पार्टी अभी चल रही है। और ये खीमा खा रहा हूँ, खीर, और खीर भी बहुत स्वादिष्ट बनी है। तो दोस्तों सिम्बा और स्नो वाइट की भी पार्टी हो रही है, और ये आज अपना लंच विस्कस के साथ राइस एंजॉय कर रहे हैं, इनको भी एंजॉय करने देते हैं। तो दोस्तों मार्केट से मैं ये स्पेशल केक कॉर्नफ्लेक्स लेके आया हूँ, और ये मैंने सुना है कि बड़ा अच्छा है, और हमारा लेंटर पूरा पड़ गया है। एक बार अब लेंटर देखते हैं। साथ में चुकंदर भी लाया हूँ, क्योंकि मेरे को चुकंदर खा रहे हैं अभी, पिछले दो दिन से मैंने चुकंदर खाया है, तो बड़ा सही सा लग रहा है, हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए चुकंदर खा रहा है कंटिन्यूस। तो दोस्तों लेंटर पूरा पड़ चुका है, और ये देखो, और उस तरफ को तो पूरा सूख भी गया है। इसको लगभग पढ़ने में सुबह से कितने घंटे लगे भैया इसको पढ़ने में? 7 बजे से पढ़ रहा था, अभी 7 बज गया, और सुबह 7 बजे से पढ़ रहा था और अभी बज गया, और देखो ये पूरा बढ़ गया। तो कल से छुट्टी है आपकी? नहीं तो कल से काम करें। और काम है? अब क्या काम है? और काम नहीं लगाना है, पानी रुकना। अच्छा अभी कल भी काम है।
तो दोस्तों लेंटर कंप्लीट होने का यहाँ पे पार्टी शुरू हो चुकी है और सब खाना खा रहे हैं और खाने में मिला है बढ़िया बिल्कुल सुबह की तरह से स्पेशल फूड लगा हुआ है और मेरे फिर मुंह में पानी आ रहा है। तो अभी मैं कह रहा हूँ मम्मी पापा लोग से कि मैं भी वहाँ बैठ के खाता हूँ, लेकिन खाने के लिए मना कर रहे हैं। पता नहीं बड़े अजीब लोग हैं यार, वहाँ पर बैठ के मैं आराम से बढ़िया करके खा सकता था, लेकिन ये कह रहे हैं कि वहाँ पर बैठ के क्या खाना है। और बड़ा ही मेरे को तो मन कर रहा है। तो दोस्तों अब हम भी बैठ चुके हैं और अब हम भी बैठ के भोजन इंजॉय करेंगे। और सुबह हमने खाया था यहाँ पे और अभी दोबारा खा रहे हैं और संगम भाई लगा रहे हैं भोजन। कैसा बना है? अच्छा अच्छा बना है। क्या नाम है आपका? राममूर्ति। राममूर्ति? हाँ, हमारा नाम रामिल है। तो दोस्तों लग चुका है खाना और ये राजमा है। और ये देखो और बहुत स्वादिष्ट बना है यार, एकदम गर्मा गर्म बढ़िया टेस्ट आ रहा है बिल्कुल। और दोस्तों मम्मी यहाँ पे खाना परोस रही है सबको और ये लोग उदास हो रहे हैं मम्मी पापा लोग कि मैं आराम से बैठ के खा रहा हूँ। बल्कि वहाँ पापा परोस रहे हैं, थोड़ा सा राजमा ला दो। ये लोग उदास हो रहे हैं कि हम यहाँ पे आराम से बैठ के खाना खा रहे हैं। तो दोस्तों मशीन ले जा रहे हैं और मेरा खाना हो गया है और बड़ी लड़ाई झगड़ के खाना खाया यार मैंने। मतलब मम्मी पापा और सब लोग सब लोग तो नहीं, खासकर मम्मी पापा और हमारे रिश्तेदार चिढ़े हुए थे कि मैंने यहाँ पे बैठ के खाना क्यों खाया यार। मतलब इतने इनकी सोच इतनी नीच है। मैंने बढ़िया तरीके से इंजॉय करके खाया और बड़ा ही अच्छा लगा, स्वादिष्ट लगा। इस घर में दोस्तों खाने पीने की कमी नहीं है, इस घर में जिंदा दिल लोगों की बड़ी कमी है। और अभी मैं क्या करूँगा, अभी तो मैं इसको इंजॉय करूँगा और इस व्लॉग को यहीं पर एंड करेंगे। मिलेंगे अगले व्लॉग में।